दूसरी ओर अगर यही चाट वाला तुम्हारे पास आता और तुम्हारी कनपट्टी पर पिस्तौल रख देता और कहता चल चाट खा, तो तुम क्या कहते? तो तुम्हें दिख जाता कि ये मुझे गुलाम बना रहा है, ये मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है। कहते कि नहीं कहते? दूसरी गुलामी बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि दूसरी गुलामी ये कह के आती है कि ये तो मेरी खुद की मर्जी है। दो तरह की गुलामी होती है मनु, और बहुत अच्छा किया तुमने कि ये बात उठा दी। मनु ने कहा कि सर ये तो आपने कह दिया कि कोई और अगर तुम्हें लक्ष्य बना बना के दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या है, गुलामी। और तुम अंधों की तरह किसी और के द्वारा दिए गए लक्ष्यों के पीछे चल दिए हो, तो गुलामी है ही। एक दूसरी तरह की भी गुलामी है जिसकी बात करी है मनु ने, अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के पीछे जाना, क्या ये गुलामी नहीं है? बिल्कुल है, और ज़्यादा गहरी गुलामी है। अब मैं तुमसे कहूँगा दो तरह के गुलाम होते हैं। मैंने एक तरह के गुलाम की चर्चा तुमसे कर दी थी, दूसरे की नहीं करी थी। एक गुलाम है जो दूसरों का गुलाम है, और दूसरा गुलाम है जो अपना गुलाम है। एक गुलामी है दूसरे की गुलामी, और दूसरी गुलामी है अपने ही मन की गुलामी। पहली गुलामी आसानी से दिख जाती है, कोई बाहर वाला आकर के तुमसे कह रहा है चलो ये करो, तो साफ साफ दिख जाएगा ना कि वो मालिक बन रहा है और मुझे क्या बना रहा है, गुलाम, तो दिख जाती है। और जो गुलामी, जो बीमारी आसानी से दिख जाए, उसका इलाज भी आसानी से हो सकता है। जब दिख ही गया कि मेरा शोषण हो रहा है, कोई चढ़ के बैठ रहा है मेरे ऊपर, कोई मेरी मुक्ति छीने ले रहा है, कोई बंदी बना रहा है, तो तुम पूरी कोशिश करोगे मुक्ति की। तो इसीलिए पहले वाली गुलामी से बच निकलना अपेक्षाकृत आसान है। दूसरी गुलामी बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि दूसरी गुलामी ये कह के आती है कि ये तो मेरी खुद की मर्जी है। दूसरी गुलामी क्या थी, किसकी गुलामी? अपने ही मन की गुलामी। जब तुम अपने ही मन के गुलाम होते हो ना, तो तुम ये नहीं कहते हो कि मुझे इसने दबा रखा है और ये मेरा मालिक हुआ बैठा है, तब तुम कहते हो कि ये तो मेरी ही मर्जी है और मैं अपनी मर्जी पर चलूँगा। और ये बड़ी ख़तरनाक गुलामी है, क्योंकि अब तुम्हें क्या बताया जाए कि कौन है तुम्हारा शोषक, कैसे समझाया जाए, तुमसे कैसे कहा जाए कि तुम खुद ही अपने दुश्मन हो गए हो। ये दूसरी गुलामी कैसे होती है, इसको थोड़ा समझेंगे। हम जिसको कहते हैं ना कि ये मेरी मर्ज़ी है, मेरा मन ये करना चाहता है, ज़रा सोचो, ध्यान दो कि वो विचार तुम्हारे मन में कहाँ से आता है। तुम एक चाट की दुकान के सामने से निकल रहे हो, और तुम्हें देखते ही क्या करता है, वो अपने तवे पर सबसे पहले थोड़ा सा घी छिड़क देता है, और उसने अपनी दुकान को थोड़ा सजा वजा भी रखा है, मान लो ठेले वाला ही है। एक काम उसने किया, उसने घी छिड़क दिया। दूसरा, उसने अपनी दुकान को सजा रखा है और उसमें उसके जो भी चीज़ें हैं बेचने की, खाने की, टिक्की, पापड़ी और क्या क्या होता है, वो सब उसने, गोलगप्पे, वो सब उसने अपना लगा रखे हैं कि तुम्हें दिखाई पड़ जाएं। और जब तुम बगल से निकल रहे हो, तो उसने अपना वो जो उसका चिमटा होता है, वो तवे पर, कभी गौर किया है, वो टन 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 मारते हैं। उसने तुम्हारी तीन इंद्रियों पर एक साथ आक्रमण करा है। तीन इंद्रियाँ कौन सी? आँखों पर कैसे आक्रमण करा? दिखाकर। नाक पर कैसे आक्रमण करा? और कान पर कैसे आक्रमण करा? सुनाकर। और तुरंत तुम्हारा मन अब मचल उठा और तुमने कहा मैं चाट खाऊंगा। और तुमसे कोई कहे कि चाट खाना किसकी मर्जी है, तो तुम क्या कहोगे? मेरी मर्जी। अब ईमानदारी से बताओ, ये तुम्हारी मर्जी है या तुम्हें गुलाम बनाया गया है? तुम्हारी तीन इंद्रियों पर आक्रमण करके तुम्हें गुलाम बनाया गया है, लेकिन इसमें साफ साफ दिख नहीं रहा। दूसरी ओर अगर यही चाट वाला तुम्हारे पास आता और तुम्हारी कनपट्टी पर पिस्तौल रख देता और कहता चल चाट खा, तो तुम क्या कहते? तो तुम्हें दिख जाता कि ये मुझे गुलाम बना रहा है, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती हो रही है। कहते कि नहीं कहते? वो गुलामी दिखाई दे जाती है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। लेकिन ये जो दूसरी गुलामी थी, ये छिपी हुई गुलामी है। इसमें गुलाम को ये लगता है कि मैं गुलाम हूँ ही नहीं, और मैं तो अपनी मर्जी पर चल रहा हूँ, ये मेरी स्वयं की इच्छा है। हम ये नहीं देख पाते कि मेरी इच्छा नहीं है, ये इच्छा तो मेरे मन में आरोपित की गई है, ठूसी गई है। ये गुलामी बड़ी खतरनाक है।
क्योंकि इसमें अगर कोई तुम्हारे पास आएगा और कहेगा चाट मत खाओ, ये तुम्हें गुलाम बना रहे हैं, तो तुम उससे लड़ जाओगे। तुम कहोगे चाट खाना मेरी मर्जी है। अब तुम देखोगे तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी गुलामी के पक्ष में खड़े हो गए हो, और जो तुम्हें सद्बुद्धि देने आया था तुम उससे ही लड़ पड़े हो। तुम किसके पक्ष में खड़े हो गए हो? अपनी ही गुलामी के। गुलाम कह रहा है मुझे गुलाम ही रहना है और ये मेरी मर्जी है। तो इस गुलामी से निजात पा पाना बड़ा मुश्किल है। अब मैंने तुम्हें एक विशिष्ट उदाहरण दिया है चाट का, और कुछ इस तरह से बताया है कि तुम्हें समझ में आ गया कि चाट की जो इच्छा उठी तुम्हारे मन में वो गुलामी थी। पर इसी बात को अगर और व्यापक करके मैं तुमसे कहूँ कि प्रत्येक इच्छा जो मन में उठती है वो किसी न किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा ही तुम्हारे भीतर उद्वेलित की गई होती है, तो तुम्हें ये बात आसानी से समझ में नहीं आएगी, तुम मानने को तैयार नहीं होगे, क्योंकि मानने के परिणाम तुम्हें थोड़ा असहज कर देंगे। अगर तुमने इस बात को मान लिया कि प्रत्येक इच्छा किसी बाहरी प्रभाव से ही उठती है, तो तुम्हें अपनी सारी इच्छाओं को ज़रा ध्यान से देखना होगा कि ये मेरी हैं या बाहर कोई चाट वाला है। और मैं तुमसे कह रहा हूँ चारों तरफ चाट वाले ही चाट वाले हैं, और वो तुम्हारे भीतर लगातार एक ही काम करते हैं, क्या? इच्छाएं उठाते हैं। संसार कुछ नहीं है, संसार बस चाट वालों का एक झुरमुट है, एक समुदाय। तुम चले जा रहे हो चारों तरफ। संसार की परिकल्पना करनी है तो ऐसे ही कर लो, कहीं टिक्कियां लटक रही हैं, कहीं पापड़ी लटक रही है, कहीं दही उछल रही है, कहीं घी डाला जा रहा है, कहीं जलजीरा है बह रहा है, ये संसार है। और तुम आकर्षित हुए जा रहे हो, और तुम क्या कह रहे हो आकर्षित होकर, किसकी मर्जी है? मेरी मर्जी। तुम ये समझ भी नहीं पाते कि तुम्हारी मर्जी है ही नहीं, तुम्हारी कोई मर्जी नहीं है, तुम्हारी एक एक इच्छा जो उठती है वो तुम्हारे भीतर किसी ने डाल दी है, और जो तुम्हारे भीतर इच्छा डाल रहा है वही क्या हो गया, तुम्हारा मालिक हो गया। इच्छा का उठना ही गुलामी है। क्या इस बात को याद रख पाओगे? इच्छा का उठना ही गुलामी है, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीज होती नहीं। हर इच्छा एक पराधीन इच्छा है, हर इच्छा, और इसमें कोई अपवाद नहीं होते। कोई ये ना कहे कि नहीं नहीं, दो तरह की इच्छाएं होती हैं, एक स्वेच्छा और एक परेच्छा। स्वेच्छा जैसा कुछ नहीं होता, हर इच्छा एक प्रभाव है, एक फॉरेन इन्फ्लुएंस है। तो मुक्त आदमी कौन हुआ फिर? मुक्त आदमी वो हुआ जो पहली बात दूसरों की गुलामी में नहीं जीता, और दूसरी बात वो अपने मन की गुलामी में भी नहीं जीता। वो तो अपनी समझ पर चलता है, बोध पर चलता है। देखो दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक है इच्छा पर चलना और दूसरा है समझ पर चलना, बहुत अंतर है दोनों में। तुम किस पर चलना चाहते हो, इच्छाओं पर या बोध पर? इच्छा पर चलोगे तो क्या बन जाओगे? बोध अपना है, वही है वो अरबों खरबों का, वो किसी और का नहीं होता, वो बाहर से नहीं आता, वो पूरी तरीके से अपना होता है। किसी दूसरे की इच्छा पे नहीं चलना है, पहली बात, अपनी मनमर्जी नहीं करनी है दूसरी बात, और तीसरी बात, चलेंगे अपने बोध पर, समझ कर, बिना समझे एक कदम ना उठाएंगे, देखेंगे अपनी आंखों से, जानेंगे अपने विवेक से, और फिर अपने आप जान जाएंगे कि अब किधर को जाना है और क्या करना है। आ रही बात समझ में?